Hello dear students, today I'm going to continue your chapter that is the earth and the sky. हमने पढ़ा था water के बारे में. पानी बहुत सारी forms में available है land पे, जैसे कि मैंने आपको बोला था mountains में है, lakes में है, rivers में है, oceans में है. वैसे ही as vapor in the air, अगर हम vapor की बात करें तो वो भी जो हवा में vapors होते हैं, छोटे छोटे water droplets होते हैं, उनमें भी पानी होता है. वो वेपर भी क्या होता है, बाप जिसको हम कहते हैं, जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो वो भी एयर में चला जाता है जिसमें वाटर होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स का बना होता है. वाटर इन सीज एंड ओशंस इज सॉल्टी, जो पानी सी समंदर और ओशंस में प्रेजेंट होता है वो सॉल्टी होता है. सॉल्टी का मतलब वो नमकीन पानी होता है, खारा पानी होता है. Now let's start with the sky. Sky क्या होती है? What is sky? यानी सूरज और clouds यानी बादल. जानते हो असल कि सन एक इंतहाई गर्म स्टार है जिससे अर्थ को हीट यानी गर्मी और लाइट यानी रोशनी मिलती है. चलो अब जाओ कि रात को sky में क्या नजर आता है. मुझे पता है कि रात को स्काई में स्टार्स यानी सितारे और मून यानी चांद होता है, और चांद दरअसल सूरज की लाइट यानी रोशनी की वजह से चमकता है. और एक बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि दिन के वक्त मून और स्टार्स दोनों स्काई में ही होते हैं, मगर सन की तेज रोशनी की वजह से हम इनको नहीं देख पाते. सिद्रा, स्काई इज स्पेस ओवर द अर्थ. दिस स्काई वी कैन सी द सन, द मून, स्टार्स एंड क्लाउड्स. During day, we can see the sun in the sky. Because of the sun, our days are hot. It gives us heat and light as it is a huge ball of fire. So, if you look up into the sky, at daytime, you will see that the sky looks blue in color. अगर आप दिन में अभी आप बाहर जाओगे day time में, फिर आप sky की तरफ देखोगे तो sky जो है वो blue in color है.